Hi guys, welcome back to Class of Planning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. This class is all about the rules that you need to have for your first sem examination that is going to take place very soon. Yaar yahan pe baat ki ja rahi hai un notes ki jinko hame chahiye for the first sem of English honors. Is baar paper change ho chuka hai puri tarah, course content badal gaya hai aur SL ke student ko bhi regular ke students ka paper dene jo hum sab jante hain, lekin preparation zero, तैयारी नहीं हुई है. अब हम पेपर कैसे करेंगे तो उसके लिए एक अगली वीडियो डेफिनेटली आने वाली है. दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कीप इन योर माइंड व्हाइल गोइंग फॉर इंग्लिश ऑन पेपर्स, उसको देखना ना भूलें. लेकिन उससे पहले हम इस वीडियो की बात करते हैं. इस वीडियो में हमने डिस्कस करना उन नोट्स की बात करेंगे जो मैंने अपनी हर क्लास में बताया था. दैट आई एम गोइंग टू पब्लिश द नोट्स वेरी सून एंड दे आर इन माय हैंड्स. यस, दे आर द नोट्स. Those are for Indian English literature. आपने कहा सर पूरे नोट्स तैयार हो चुके हैं जो हमारे पास हैं. जल्दी आपको यूरोपियन लिटरेचर की वीडियो मिल जाएगी जिसमें नोट्स को डिफाइन कर दूंगा मैं. नोट्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, किन चीजों को हमें रिलोट करना है. तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं नोट्स में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी चीजें मैंने नोट्स में दी है और आपको क्या क्या मिल जाएगा नोट के साथ साथ. कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. नोट्स सर, नोट्स की बात करें तो ये नोट्स जरूरी क्यों हैं? एज वी डोंट हैव मच टाइम और मार्केट में जो बुक मिल रही है आधी अधूरी. देयर सर्टेन क्वेश्चन और स्टूडेंट दिमाग में चल रहे हैं कि सर मार्केट में बुक मिल रही है या वो लास्ट एडिशन की बुक मिल रही है जिसमें कोर्स कंप्लीट नहीं है. आपने का कोर्स कंप्लीट करना है, दैट वी आर हैविंग अ कोर्स. मैं आपको वो बुक्स नहीं दे रहा जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिया हुआ है. पहले टाइम नहीं है, ऊपर से एक्स्ट्रा देंगे. सॉरी, आई डोंट वांट टू पजल यू गाइस. यहाँ पे क्लियर करते हैं इन नोट्स की बात करते हैं. तो इन नोट्स में सिर्फ और सिर्फ वो कंटेंट है जो आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए. द फर्स्ट बिगनिंग स्टार्ट विद अ गेम ऑफ डाइस. हम सब जानते हैं गेम ऑफ डाइस बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां मैंने राजन यक्ष से लेके हर क्वेश्चन, बेसिकली दो मेन क्वेश्चन भी आते हैं वो भी इन नोट्स में कवर किए जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले. एंड देन वी आर हैविंग द नेक्स्ट पार्ट. पहला गेम ऑफ डाइस, जैसा हम सब जानते हैं मैंने वीडियो में ही बताया था आपको कि गेम ऑफ डाइस ऑन टेक करना जरूरी है. Then we have the temptation of Karna. So what does mean by the temptation of Karna? क्या temptation of Karna related to question board में आने वाला है? तो अपन DU examination आओ, क्या वो भी clear हैं? तो अगर खाली आप इस segment को पढ़ रहेंगे, detail में दिया जाए temptation को पूरा clear किया गया with the bold letters, तो आप easily paper में question कैसा भी आता है उसे crack कर पाएंगे. Then we are having the Dhritarashtra and Gandhari व्रत. सर Dhritarashtra और Gandhari के व्रत की बात की जाए तो ये वो phase था जहां पे चीजें clear की गई थी. And guys, those are really having my students because notes are already. वो video follow कर रहे हैं, उनका पूरा video links भेज रहा हूँ. वो वहाँ से clear करेंगे. और अगर आपको ये notes के साथ video links चाहिए पूरे, तो guys do register yourself for the online courses. क्योंकि उन्हीं बच्चों को पूरी videos मिल रही हैं जो online course में registered हैं. Concept clear करते हैं. Face to face clinic के लिए आप दिल्ली में मेरा center है, West Patel नगर में, वहाँ जब जा सकते हैं. Video description नाम दिया उसका. And then we come to the next phase. Sir, ये चीज सबसे important थी जो notes में देखने के लिए हमें मिलती है, जो मैंने आपको बताई थी यहाँ Dhritarashtra Gandhari में जरूर से ज्यादा डिटेल में दिया गया और हमें क्लियर होना चाहिए. फिर एक क्वेश्चन यहाँ से आना है guys, please make sure कि आप ये on tip करेंगे. That is Abhijan Shakuntalam. Shakuntalam की सर वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी. आप दो वीडियो, एक ओल्ड वर्जन एक न्यू वर्जन, दोनों मैंने डालेंगे. आप उसको देखें, वहां से आप आंसर मिलोगे. Then go for these notes. इन नोट्स में सारे आंसर पूरे डिफाइन किए गए हैं along with the certain points. And then we are having the act wise concept. जो वन बाय वन जो एक्ट्स और सीन्स हैं उन सीन को डिफाइन किया गया नोट्स में, जहां सारे के सारे एक्ट along with the सीन आपको आने चाहिए. Then बात करते हैं उन प्लेस की जिनके नोट्स हमें नहीं मिलते. सर हम कहते हैं कि नोट्स अवेलेबल नहीं है सर, एंड वी डोंट हैव द बुक्स टू. और मिच कैटेगरी की बात करें द संस्कृत प्ले दैट हैज बीन रिली फैमिलाइज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन और डोमिनेंट रहता है हमारे कोर्स में, तो ये आने ही आने पेपर. तो आपने सर मिच कैटेगरी डिफाइन कर दिया, आपने आपको सारी चीजें लेके आता अपने अंदर along with the major point, those are really important to grab maximums. तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. मिच कैटेगरी की बात कर रहे हैं, मिच कैटेगरी में हमारा पूरे कॉन्सेप्ट दे गया, समरी प्लॉट एंड द कैरेक्टर. एंड देन वी हैव द क्लिप्तिकरण. सर एक क्लिप्तिकरण है क्या सर? ये तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा. इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा, प्लीज को समझिएगा. यहां पे ओरिजिनेटिंग इन तमिल मैथोलॉजी, क्लिप्तिकरण इज अ लव स्टोरी ऑफ कानकी एंड कोवलम. कानकी वीएस सपना एंग्रेड रिप्रेजेंट द पास्ट एंड एंड डिग्निटी ऑफ वडेसिस पत्नी. सर ये कॉन्सेप्ट था एंक्लेट की स्टोरी. उस एंक्लेट के लिए उसको मार दिया जाता है जो कि उसकी वाइफ का था, क्योंकि एंक्लेट किससे मिलता था? सो क्वीन के एंक्लेट से मिलता था. लेकिन आप ये स्टोरी पूरी पूरी के लिए वीडियो देखो, उसमें काफी कुछ पूरा डाला हुआ है, वहां से आप उसे पूरा क्लियर कर सकते हैं. और हाँ, एक चीज याद रखना गाइस,
जब आप इसको पढ़ेंगे तो इन नोट्स के साथ साथ आपको मेरी वीडियोस को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि वीडियोस के साथ जब नोट्स होंगे आपके पास तो आप पेपर को इजीली ग्रैब कर लेंगे, सच एज अ लाइव सेशन आप पूरा वही फील करेंगे। देन वी कम टू द नेक्स्ट फेज, आप आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो हमारे इंपॉर्टेंट होगा, इसमें आपने सीडियो का सीडियो किंग एंड द मोस्ट हाई नाट्य शास्त्र। सर ये नाट्य शास्त्र की बात करें, कहां से शुरू हुआ नाट्य शास्त्र में क्या क्या है, और अगर आप लोग सोचते हो कि आप इंग्लिश नॉर्म्स के बाद आगे जाके मास्टर्स इन इंग्लिश करेंगे तो वहाँ नाट्य शास्त्र बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है। अलॉन्ग विद यहाँ पे हमारे पास जेआरएस स्टूडेंट्स के लिए भी ये काम करता है। तो आपने जैसे नाट्य शास्त्र है क्या, द थ्योरी ऑफ रस एंड भावा, जूस भावा एक्सप्रेशन सेंटिमेंट्स दोनों को हाईलाइट किया गया। तो रसा क्या है, भाव क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, इज अ रिलेशन बिटवीन द परफॉर्मर एंड द स्पेक्टेटर। The moral spectator is someone who emphasizes with the author. Since the successful performance is measured by the worth of the male audience experience, the spectator becomes vital part of the play. जब तक कि spectator उस video उस play में पूरा participate नहीं करता, तब तक उसमें रस नहीं आता। तो हमें रसा और भावा दोनों concept clear करना है। यहाँ पे ना आपको रसा और भावा दिए। Along with there, there are 10 kinds of play. सर ये आपके कोर्स में है जो आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला, गाइस मेक इट क्लियर कि आपको ऑनटेप होना चाहिए। नाउ दैट इज दशा रूपा, अभी दशा रूपा हमें हर हाल में पता होना चाहिए, क्या है दशा रूपा, कैसे काम करेंगे, किन चीजों के लिए करना है। इसमें द नाटका वी आर हैविंग, देन द एंट्री सीन ऑफ द नाटका क्या कॉन्सेप्ट थे, देन द स्पोर्टिंग सीन इंट्रोडक्शन चैरिस एंड प्लेस ऑफ स्टेज एंड द प्रकरणा, प्रकरणा को बोध से क्लियर करना। अब यहाँ पे हमारे पास सम करना एवरेज धीमा, ये सारे के नोट्स यहाँ हैं। तो मैं वीडियो बनाने का मेन पर्पस यहाँ था कि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ नोट्स दे दी जाए, जहाँ पे कि आप इन नोट्स में क्या क्या लेने वाले हैं और आपको क्या क्या चीज सप्लाई होगी इन नोट्स के थ्रू। देन वी आर हैविंग द डिस्ट्रीब्यूशन रोल, भूमिका, व्हाट डज मीन बाय भूमिका, भूमिका है क्या। सर ये तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हिंदी के लेखन से हमें दे दिएगा, That's right too, ये वो चेंज किया गया, इसमें कई चीजें अपडेट की गई जो हमें आनी थी। तो यहाँ पे याद रखना जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रोल्स की बात है, भूमिका जनरल प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, किन पे काम करना है, कौन कौन सी चीजें हमें आनी थी, एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू डू दिस। इस पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और ये हमें रूल भी करेगा। और एक चीज इसको याद रखना है नोट्स के साथ साथ आपको जो पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कि हम इस पेपर की तैयारी करते हुए कौन कौन सी दिमाग रखेंगे। अभी तक मैंने जैसा आपको बताया रसा भावा दशा रूपा भूमिका, ये सारे मैथोलॉजिकल प्ले थे जो यूनिट 5 में आपको मिलने वाले, यूनिट 4 यूनिट 5 का बेसिक पार्ट था। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम यूनिट 4 जो आपको ऑन्टीमन जो पेपर में आएगा, द्रौपदी रोल इन साइटिंग द कुरुक्षेत्र वॉर एज अ युगांता। सही, युगांता के बेसिक वर्जन में द्रौपदी को सोल होल क्रिएटर माना गया महाभारत का। तो यहाँ पे उसने उसको एक ओरिजिनल वर्जन मतलब न्यू मॉडर्न वर्जन ऑफ द्रौपदी हाईलाइट किया। क्या था इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बताता हूँ, प्लीज इसको सुनिएगा। द्रौपदी वाज द डॉटर ऑफ द्रुपद, हर फादर परफॉर्मर यजना एंड द यजना देयर वाज अ बॉय एंड अ गर्ल, द गर्ल वाज द्रौपदी एंड इरावती कर्वा वाज ब्यूटीफुल पैलेस ऑन एगोनी एंड द सक्सेस ऑफ द फील्ड द्रौपदी एज अ डॉटर a queen, a mother, a diplomat, and a great successor of husbands, both as a wife, as an administration. Now, there is an interesting turn, Draupad was trying to take revenge from Dronacharya. There was a prime reason for Draupad to perform the yagna, revenge. So, primary function jo tha, us yagna ko karne ka, wo badla tha. Aur badla hai na, Dronacharya se. So, years later, during the Kurukshetra, Dhritarashtra's son, Mohan, the yagna, killed by Dronacharya. Now, Dhritarashtra was a guru, teacher of Pandavas and Kauravas. तो यहाँ पे पहले क्लियर करेंगे हम बेस जो बनी थी महाभारत की वो फ्रॉम द बर्थ ऑफ द्रौपदी हुई। तो हमें ये क्लियर करना है, सारा का सारा डिफाइन आपको मिल जाएगा इन नोट्स के थ्रू। एंड देन वी आर हैविंग द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इन नोट्स का यूजर्स कैसे करना है, हाउ गोइंग टू यूज दीज नोट्स। नोट्स आपको मैंने बता दिए नोट्स में क्या क्या है, क्या कंटेंट है, किन चीजों को हमें क्लियर करना है। नाउ टाइम टू डिस्कस हाउ वी गाइस आर गोइंग टू यूज दीज नोट्स। तो पहले क्या करेंगे, पहले कोर्स कंटेंट के लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं जहां मैंने आपको बताया कि उस वीडियो में क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन सी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब आगे इनका यूज कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस हैव द नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर्स,
Then we have the mock test series. Mock test series definitely notes के साथ available नहीं होगी, वो बाद में दी जाएगी, जो आप college से लेनी पड़ेगी। वो mock test series को करने के बाद आप हर चीज को on tip कर लेते हैं। तो follow the basis, basis अगर follow करते हैं, तो आप हर चीज को बहुत easily grab कर पाएंगे। And I know you guys are going to do this. किसी तरह कोई दिक्कत आती है, कोई डर आता है, कमेंट बॉक्स में आओ। ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, यू गाइस कैन व्हाट्सएप मी फॉर मोर डिटेल्स। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच, बाय गाइस।